ये होती है एप्पल ट्रीज। ये देखिए यहाँ पर ये सारे बैट्स हैं और ये हमारा सहवाग आ गया है असली से। ये ओरिजिनल सैफ्रन। डेढ़ घंटे में पहुँचेंगे हम लोग, डेढ़ घंटे में। बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है इसकी। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमें अभी पहलगाम में। तो अभी सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से अपना लगेज पैक करके और निकलने वाले हैं। तो अभी हमने अपना पूरा लगेज अंदर लगा दिया है और लगेज ही इतना सारा है यार, थक गया लगेज लगाते लगाते। सारे बैग्स हमारे अंदर पीछे वाली सीट पे आ चुके हैं और बाकी के 2-3 बैग्स थे वो इधर पीछे डिक्की में आ चुके हैं। तो अभी सब लोग बाहर आ चुके हैं और बस निकलने की तैयारी है। तो अभी हम जा रहे हैं मैन पहलगाँव की ओर, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और रात को हम जहाँ पे रुके थे वही पहलगाँव का ही एरिया है। यहाँ से पहलगाँव की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो ये भी पहलगाँव का ही एरिया है, बट जो मैन पहलगाँव है वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि यहाँ का लोकल गाँव है। काले बादल हैं, कुछ सफेद हैं और सामने बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ पूरा काला दिखाई दे रहा है। उधर धूप नहीं है बिल्कुल भी, धूप इधर ही इधर है। इस पहाड़ के पीछे है और इस पहाड़ के आगे बीच में इसको एक्चुअली बादल की वजह से वो ढक रहा है। काले बादल की वजह से वो ढक रहा है, इसलिए इसमें धूप नहीं आ रही। नहीं, देखने में बड़ा शानदार लग रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैन पहलगाँव के अंदर और यहाँ पे अभी घूमने के लिए 5-6 स्पॉट्स हैं और उन स्पॉट्स को घूमने के लिए हमें जाना होगा घोड़े पे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, रास्ता बहुत वैसा है। पहलगाँव के अंदर जितने भी घूमने की जगह हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे टंगी हुई है और ये जगह भी बहुत ही सुंदर हैं। इन पोस्टरों पे जितनी भी जगह को मेंशन किया गया है, इन सारी जगह पे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा घोड़े पे और घोड़े के प्राइस यहाँ पे 1300 से स्टार्ट है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अपन कहाँ चल रहे हैं? अभी हम बेताब वैली जा रहे हैं, यहाँ से 6-7 किलोमीटर। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और पहलगाँव हम इसलिए नहीं घूमने गए क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश में घोड़ों पे गए तो हालत ख़राब ऐसे ही हो जाएगी। मूवी शूट हुई थी तो मूवी बहुत फेमस हो गई थी, तो उसको फिर बोलते थे बेताब बेताब वैली। तो असली नाम उसका हाजन वैली है। असली नाम हाजन वैली, हाजन वैली है। अभी जैसे कि भैया ने बताया कि इसका नाम असली बेताब वैली नहीं है, हाजन वैली है, क्योंकि यहाँ पे एक सनी देओल की मूवी शूट हुई थी जिसका नाम था बेताब और उसी के नाम पे इसका नाम कर दिया है बेताब वैली। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली। बेताब वैली का टिकट काउंटर जहां से हमें टिकट लेना पड़ेगा और टिकट का प्राइस है बड़े का 100 रुपये और छोटे का 50 रुपये। हमें यहाँ पे देखा कश्मीरी बकरी। अरे मेरी नहीं दिख रही। अरे तुम्हारी नहीं दिख रही, ये लो आप दिख रहा है। तो अभी सब लोगों ने कश्मीरी बकरी के साथ ना फोटो वोटो ले लिया है और हम जा रहे हैं आगे की साइड में। बेताब वैली का सारा एरिया पहाड़ों के बीच में है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पूरा माउंटेन पे बर्फ ही बर्फ और इधर भी पहाड़ी पहाड़ है। क्या शानदार व्यू है। ये कौन सी रिवर है? इसको बोलते हैं लिटिल रिवर।
ये लिटिल रिवर है, LIDDER रिवर है, लिटिल रिवर, और जगह का नाम है बेताब वैली। अच्छा। असली इसका नाम है हाजन वैली। हाजन वैली, बेताब के नाम। ये जो आप सारे ट्रीज देख रहे हो ना, ये विल्लो ट्रीज है जिनका क्रिकेट बैट बनता है। यहाँ चारों तरफ वही वो है। ये जैकेट ये मेरे को जैकेट दिलाएंगे अगर ये वादा पूरा नहीं करती है, समझ लेना। ये वीडियो सभी जगह वायरल हो जाएगा, सभी जगह वीडियो वायरल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आइसलैंड पार्क, और ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अभी मौसम खराब हो चुका है और बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही है, अभी आवाज आ रही होगी। और वो लोग इतने दूर छुपे हुए हैं, देखो तो अभी हमने बेताब वैली घूम लिया। बेताब वैली घूमने के बाद तो अभी होगा हमारा लंच, और लंच करने के बाद फिर निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। किसकी गाड़ी है? बेबी की गाड़ी है, छोटे बेबी की। जोर से बोलो, छोटे बेबी की गाड़ी है, छोटे बेबी की गाड़ी है। ओहा, किसी दे दो। पूरी खड़ी गाड़ी है इधर से। लो जी, तो अभी हम आ चुके हैं दाना पानी रेस्टोरेंट, और यहीं पे होगा हमारा लंच। पूरा मेले की तरह मेला लग रही है, मेला लग रहा है नीचे ऊपर। तो अभी सब लोगों को खाना हो चुका है, और खाना काफी स्पाइसी और बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम लोगों ने खाना खा के सीधा आए हैं एप्पल ट्रीज के बगीचे में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एप्पल लगे हुए हैं। आप लोगों ने एप्पल ट्रीज देखी है नहीं देखी है? देखिए तो कमेंट करके बताना, और नहीं देखी है तो मैं दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे इतने बड़े बड़े एप्पल ही एप्पल लगे हुए हैं, ये देखो ये लटक रहे हैं ऊपर। ये होती है एप्पल ट्रीज। ये बगीचा बहुत बड़ा है, यहाँ पे सारा एप्पल ही एप्पल लगता है। एकदम फ्रेश एप्पल। यहाँ का नेचुरल एप्पल एकदम मीठा है। और यहाँ पे इन्होंने एप्पल तोड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी तादाद में है। ये सारा बगीचा एप्पल ट्रीज से भरा हुआ है, और एक तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो पूरा गीला हो चुका हूँ मैं ऊपर से। ये देखो ये पत्ते। कितने शानदार लग रहे हैं ये। अरे फिकर है। मजा आ गया। तो अभी हम सीधा चल रहे हैं क्रिकेट बैट मार्केट, जहाँ पर बैट का बहुत बड़ा मार्केट है, यहीं से सब जगह सप्लाई होता है। अभी उधर जो मैंने आपको ट्री दिखाया था ना, उसी ट्री के यहाँ पे बैट बनाए जाते हैं, जो कि सबसे मजबूत बैट होते हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये सारे बैट्स हैं और ये हमारा सहवाग आ गया है। असली सहवाग ये है जो क्रिकेट बैट देखो इसके पास ये बैट है। और यहाँ पर जितने भी सारे कंपनी के बैट होते हैं वो एक ही वुड के होते हैं, बट यहाँ पर अलग अलग टैगिंग होती है। ये देखो अलग अलग टैगिंग होती है। हाँ सहवाग जी आपका कौन सा बैट है? सहवाग जी आपका कौन सा बैट चल रहा है? MRF का बैट है इनके पास। ये हमारे चाचा हैं जो इस शॉप के ऑनर हैं। तो सबसे मजबूत बैट ऐसी ट्री का होता है, ये भी उसी का। अच्छा लकड़ी एक ही है, बस वो टैगिंग अलग अलग है ना? बाकी बैट सब एक ही लकड़ी का टैग अलग अलग बनता है। अंदर ये लाइनिंग ये किस मतलब से? ये अंदर ये क्या है? ये टेनिस बॉल के लिए, रबड़ बॉल के लिए होता है। ये हल्का करने के लिए होता है। अच्छा हल्का करने के लिए होता है, ये निकाल देते हैं बीच में। जाता है ये वाला। अच्छा बॉम्बे जाता है। हाँ जी हाँ, ये टेनिस बॉल के लिए। अच्छा तो अभी हमने यहाँ से वेट खरीद लिया है और अब हम जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर जो कि है पांपोरा में। तो वेट खरीद के अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर। अलग ही खुशबू आ रही है। एक फ्लावर में इंडिया में नेचुरल केसर यहीं पे मिलता है। यहाँ से हाउस बोट पौना घंटा लगेगा। ये ओरिजिनल सैफ्रन। डेढ़ घंटे में पहुँचेंगे हम लोग। डेढ़ घंटे में। बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है इसकी। कश्मीर में तो अभी हम हैं पांपोरा में बैठ के, और इस जगह को बोलते हैं सैफ्रन लैंड। हाँ यहाँ से ही सैफ्रन निकलता है। पूरे हिंदुस्तान में जो सैफ्रन जाता है वो यहीं से जाता है। अच्छा पूरे हिंदुस्तान में सैफ्रन यहीं से जाता है और इस जगह को बोलते हैं पांपोरा। तो अभी हमें भैया ने दिया है कावा जो कि देखने में ऐसा होता है। बॉडी बॉडी हीट होती है। यहाँ पे रेड नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं। ये सारा हाथ से टूटेंगे। टेस्ट करो। हाँ हाँ सैफ्रन। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की इतनी सारी वैरायटी है ना, देख देख के इंसान पक जाएगा। भैया कितना लेना है? कितना लेना है? बहुत बढ़िया। आपको ये दिखने में ऐसे लगेंगे लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये आपको फेंकना पड़ेगा। आपको तो अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो। जय हिंद।